अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद अहमद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जी एस वर्ल्ड शोज। प्यारे दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। जी हाँ, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि 2020 में हज होगा या नहीं होगा या फिर क्या होंगे इसके नियम, तो हम आपको बताते चले। 1920 से 2020 तक के सफर में ऐसा पहली बार हुआ है जो पहली बार तवाफे काबा को रोक दिया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह की सऊदी अरब से खबरें आ रही है उसको हुए यही लगता है कि इंशाअल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो हज जरूर होगा। 20 से 25 रमजान के बीच सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस हो सकता है, इंशाअल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो 2020 में हज जरूर होगा। प्यारे दोस्तों, अब तक का अपडेट यही है कि मक्का शरीफ में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहाँ पर थर्मल कैमरे लगाए जा रहे हैं और साफ सफाई का काम चल रहा है। हर चीज, हर जगह को मुकम्मल तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और सऊदी अरब की कोशिश यही है कि हर देश के मुसलमान भाई बहन को हज के लिए बुलाया जा सके। और उसके साथ साथ हज के नियम क्या बदल दिए गए हैं, आप वो गौर से सुनिएगा। हज के लिए अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट के साथ कोरोना वायरस की रिपोर्ट जरूर लगाई जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही हज कराया जाएगा और पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा। हज करने से पहले इंसान का 3 बार टेस्ट होगा और कुछ सामान कम लाने की इजाजत होगी। इंशाअल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो इस साल भी हज जरूर होगा और हर देश का मुसलमान हज के लिए जरूर जा सकेगा। और दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हमें जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात दिला दे। तो चलिए, हज 2020 के अपडेट में फिलहाल इतना ही और कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर अपने कुछ करीबियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को सुनकर आगे बढ़ाना सदका जारिया है। अल्लाह तबारक व ताला आपको इसका अजर देगा। और अगर आपने हमारे चैनल जी एस वर्ल्ड शोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, हम आपकी खिदमत में रोज की एक वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआओं की गुजारिश।